डोंडाचूरा व अफीम के साथ एक अभियुक्त गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी किया जब्त। डूंगरपुर जिले के सागवड़ अंतर्गत पुलिस कार्यवाही में पुलिस मुख्यालय द्वारा मादक पदार्थ के परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना अधिकारी शैलेंद्र सिंह के नेतृत्व में हरि सिंह हेड कांस्टेबल, भूपेंद्र सिंह कांस्टेबल, वीरेंद्र सिंह कांस्टेबल की टीम का गठन कर मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई के निर्देशन पर दिनांक 19 अक्टूबर को अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए आसूचक के आधार पर नाकाबंदी के दौरान अभियुक्त देवीलाल पिता रत्ना गरोड़ उम्र 24 वर्ष निवासी देवला फला अड़ुआ पुलिस थाना पारसोला जिला प्रतापगढ़ को पकड़कर अभियुक्त के कब्जे से 3 किलो 500 ग्राम डोंडा चूरा एवं 100 ग्राम अफीम बरामद की है। अभियुक्त देवीलाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी के साथ ही घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को भी जब्त किया है और आगे अनुसंधान जारी है। थाना अधिकारी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि अभियुक्त देवीलाल के खिलाफ पूर्व में भी पुलिस थाना दरियाबाद जिला प्रतापगढ़ में NDPC एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज है एवं इसी के साथ ही न्यायालय द्वारा सजा भी सुनाई जा चुकी है, जो कि वर्तमान में जोधपुर उच्च न्यायालय से अपील करने में जमानत पर रिहा चल रहा है। फिलहाल अभियुक्त को अभी गिरफ्तार किया है और उसे पूछताछ अभी जारी है।